Hello guys, welcome to our channel. I'm Shweta. I qualify JPO and I'm a certified memory trainer. So today, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ top 100 synonyms जो SSC examination में बहुत frequently पूछे जा रहे हैं. So हम पढ़ेंगे उसको. कैसे पढ़ेंगे? Tricks के साथ पढ़ेंगे. तो पहला word देखेंगे हम. पहला वर्ड हमारा यहाँ है अबंडन. अबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्विट करना, स्टॉप कर देना वही के वही. और हम मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया, यहाँ पे मैंने बेस वर्ड लिया है बैन. बैन का बेस वर्ड लिया है और मैं इसके साथ ट्रिक बनाया. बैन कर दिया गवर्नमेंट ने कुछ, हम उसको क्या करेंगे, क्विट करेंगे उस चीज़ को करने से. सो इस तरह हम इसको याद रखेंगे. और यहाँ पे इसका सिनोनिम्स है फॉरसेक, डेजर्ट, लीव, मैरून, क्विट एंड स्टैंड. इसी तरह हम दूसरा वर्ड देखेंगे. हमारा दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया है लैकोनिक. सो इसका ट्रिक मैंने ऐसा बनाया है कि मैंने बेस वर्ड लिया है लैक का. सो एक पर्सन है, वो लैक करता है अपनी हाइट को, लैक करता है अपना हाइट को. इसका मतलब क्या हुआ, वो शॉर्ट है. तो लैकोनिक का मतलब होता है शॉर्ट, जो चीज़ छोटी होती है, ब्रीफ होती है. तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे हम, कंसाइंस, शॉर्ट, इकोनॉमिकल, ब्रीफ. तो नेक्स्ट वाला देखेंगे हम डिलीजेंट. यहाँ पे डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग. तो हम मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया, मैंने बेस वर्ड लिया है डी आई एल, डिल का मैंने दिल्ली बनाया और जेंट का मैंने एजेंट बना दिया. सोचो एक आदमी है, एक पर्सन है, उसने बहुत हार्डवर्क किया. हार्डवर्क करने से एक बड़ी कंपनी की दिल्ली में एजेंट बन गया. इस तरह हमको ये ट्रिक याद हो जाएगा, वर्ड भी याद हो जाएगा. अभी इसके सिनोनिम्स और क्या है, इंडस्ट्रियस, मेटिक्युलस, पेनस्टेकिंग. और इसी तरह हम देखेंगे दूसरा वर्ड. दूसरा वर्ड हमारे यहाँ है इम्पेकेबल. यहाँ पे मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया, इम्पेकेबल बेस वर्ड लिया है मैंने पैक. पैक को मैंने बनाया पैक्ड. तो यहाँ पे सोचो तुमको कुछ एंटीक ज्वेलरी पीस मिल गई है कहीं पे, ज़मीन डिगिंग करते टाइम. तो हम वो बहुत सुंदर दिख रही है, पर हम उसको पैक करके अपने घर तो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है. बिकॉज अलाउ नहीं करती है क्योंकि वो इतनी परफेक्ट है, इतनी फ्लॉलेस है, तो उसको म्यूजियम में रखा जाएगा. तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे परफेक्ट, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, स्पॉटलेस, स्टेनलेस. इसी तरह हम दूसरा वर्ड देखेंगे. हमारे यहाँ दूसरा वर्ड है इंसॉलेंट. इंसॉलेंट का मतलब होता है रूड. तो मैंने इसका ट्रिक ऐसा बनाया है, इसमें बेस वर्ड लिया है मैंने सोल का. अभी देखो हमारे, हम सब तो शूज़ पहनते हैं, शू में, हर एक शू में सोल रहता है. अभी सोल में सोचो सोल है शू का, अभी कोई पर्सन उसमें पैर डाल रहा है, अगर सोल की थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी तो वो क्या सोचेगा वो पर्सन के बारे में, ये पर्सन कितना डिसरेस्पेक्टेबल है, रूड है, बोल्ड है, इल मैनर्ड है, बैड मैनर्ड है, इम्पोलाइट है, अनसिविल है, ये सोचेगा. इस तरह हमको ये वर्ड याद हो गया. और देखेंगे दूसरा वर्ड इसी तरह हमारे पास है सॉर्टेड. इसका मैंने ट्रिक बनाया, बेस वर्ड लिया है मैंने SOR का और DID का. ये SOR से मैंने बनाया सॉरी, DID से बनाया मैंने दीदी. अभी एक पर्सन है, रूम पे रहता है, सडनली उसकी दीदी आ गई तो बोला कि तुमने अपना रूम इतना डर्टी क्यों रखा, वो बोला सॉरी दीदी. तो इससे हमको याद हो गया ये वाला ट्रिक. तो और सिनोनिम्स देखेंगे अनप्लीजेंट, डर्टी, मर्डी, ग्राबी, मैसी एंड सॉइल्ड. सो इसी तरह हम दूसरा वर्ड देखेंगे. यहाँ पे जेन्यून है. मैं जेन्यून का वर्ड ट्रिक नहीं बनाया बिकॉज यहाँ पे जेन्यून हर किसी को पता है वर्ड. इसका सिनोनिम्स देखो ओरिजिनल, रियल, एक्चुअल, ट्रू,
फेड अथेंटिक वर्टेबल, ये एग्जामिनेशंस में आज तक 7 बार पूछा गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 7 बार पूछा गया था ये अब तक एग्जामिनेशंस में। ये इसको याद करिए, इसकी ट्रिक भी नहीं चाहिए आप लोगों को, बिकॉज इतनी सिंपल वर्ड है, याद हो जाएगा। हम देखेंगे दूसरा वर्ड, यहाँ पे दूसरा वर्ड है एसिड। एसिड मैंने बेस लिया है ACCE का और मैंने PT ऐड कर दिया, तो ये हो गया एक्सेप्ट। एसिड का मतलब होता है यहाँ पे एक्सेप्ट करना, एग्री करना, तो यहाँ पे इसी तरह हमको ये याद हो गया। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे कंसर्न्ड, कंप्ली, अग्री, एक्सेप्ट, एंड्रोज। ओके, इसी तरह हम देखेंगे दूसरा वाला वर्ड, यहाँ पे दूसरा वाला वर्ड है एडवर्सिटी। तो इसका ट्रिक मैंने ऐसा बनाया, देखो सपोज आप एक टीवी सीरियल या मूवी देख रहे हो, तो आप सडनली इतनी अच्छी सीन चल रही है, तो क्या होगा, एकदम से एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो आप लोग को क्या होगा, दुख होगा, मिजरी होगा। तो इसी तरह एडवर्सिटी को याद रखेंगे मिजरी, और इसके सिनोनिम्स है मिसफॉर्च्यून, मिजरी, इल लक, बैड लक, डिफिकल्टी, हार्डशिप एंड डिजास्टर। एंड विद दिस दूसरा वर्ड देखेंगे एफिलिएंट। एफिलिएंट का ट्रिक मैंने ऐसा बनाया कि कोई पर्सन है तो उसको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती है। मैंने यहाँ पे बेस लिया है फ्लुएंट का लेके मैंने ट्रिक बना दिया। फ्लुएंट है एक पर्सन, तो उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो क्या हुआ, इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो नौकरी लग गई बहुत अच्छी, तो उसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी आ गई, ही इज गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरी। तो यहाँ पे सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम है प्रॉस्परस, वेल्दी, रिच, अप्यूलेंट, वेल ऑफ, मनीड, कैश रिच। एंड विद दिस 10 ख़त्म हो गए, और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कल के सेशन में आपको और 10 सिनोनिम्स मिलेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। ऐसे बनी रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रही है और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल में साथ साथ हम पढ़ाएंगे रीजनिंग, मैथ्स और GK, और मैथ्स पढ़ाएंगे आपके पीयूष सर, और रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगी, और इंग्लिश के ग्रामर पार्ट पढ़ाएंगे पीयूष सर, वोकैबुलरी मैं पढ़ाऊंगी, GK मैं पढ़ाऊंगी। एंड विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।